राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो भार्गवी हैं उनके विषय में पद्मावती सोच रही होती हैं, तभी वहाँ पर श्रीनिवास आते हैं और वो उनसे भार्गवी के विषय में पूछते हैं। पद्मावती उन्हें पूरी बात बताती हैं, उनसे वचन लेने के लिए कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप अब भार्गवी से कभी भी नहीं मिलेंगी। ये सुनकर के श्रीनिवास ऐसा वचन देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं भार्गवी को मना नहीं लेता, उससे एक बार बात नहीं कर लेता, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता। फिर पद्मावती कहती हैं कि ठीक है, यदि आपने भार्गवी को मनाया और वो एक बार में नहीं मानी तो आपको वचन देना होगा कि आप उससे फिर कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। श्रीनिवास उनको वचन दे देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी को लेकर के वासु आई के घर जा रहे होते हैं और भार्गवी को ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है। तभी वासु कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी शंका है तो मैं खुद आई को यहाँ बुला करके कह सकता हूँ कि तुम्हारा वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और तुम उनके साथ आराम से रह सकती हो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और तभी वासु ऐसा ही करता है, आई को बुलाता है, उनके कान में कहता है कि मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगा, बस तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि श्रीनिवास भार्गवी से ना मिल सके और तुम्हें भार्गवी का ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही आई बहुत खुश हो जाती है और भार्गवी को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं इनका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। जैसे ही उमा को ये पता चलता है कि भार्गवी उनके घर उनके साथ रहने वाली हैं, वो बेहद प्रसन्न हो जाती हैं और खुशी खुशी वो भार्गवी को अपने घर ले जाती हैं। यहाँ पर श्रीनिवास भार्गवी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तभी गोविंद राज वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं भी भार्गवी को मनाने में तुम्हारी मदद करूँगा, हम दोनों मिलकर के उसे समझाएंगे और वापस ले आएंगे। श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, मैं खुद भार्गवी से बात करूँगा और मुझे आशा है कि वो मेरी बात अवश्य समझेगी और मुझे मना नहीं करेगी और पद्मावती के साथ आकर के रहेगी। ऐसी की उम्मीद में ही श्रीनिवास भार्गवी को ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ लोग गाँव में बात कर रहे होते हैं, बातों ही बातों में श्रीनिवास को पता चलता है कि भार्गवी आई के घर रह रही है। और इधर दिखाया जाएगा कि उमा भार्गवी के लिए भोजन लाती है लेकिन भार्गवी खाने से मना कर देती है, जिसके पश्चात उमा कहती हैं कि यदि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और उमा के लिए भार्गवी खाना आरंभ करती हैं और सबसे पहला निवाला वो श्रीनिवास के लिए निकालती हैं। उसके बाद यहाँ पर वो भोजन शुरू करती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। आई ये देखकर भार्गवी के पास आती हैं और समझाती हैं, कहती हैं कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके लिए परेशान क्यों हो रही हो, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने का इतना प्रयास कर रहा है, यानी कि वासु। भार्गवी ये बातें सुनकर कुछ नहीं कहती, मौन रहती हैं। इधर श्रीनिवास आई के घर पहुंच जाते हैं और भार्गवी से भेंट करने की प्रार्थना करते हैं। आई पहले तो बहुत मना करती है लेकिन श्रीनिवास के बार बार कहने पर आई मान जाती है। इधर श्रीनिवास के आने की खबर जैसे ही भार्गवी को मिलती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उमा उन्हें आकर के बताती है कि आपसे मिलने के लिए श्रीनिवास आए हैं। भार्गवी श्रीनिवास से मिलने के लिए जा ही रही होती हैं लेकिन तभी वो अपने कदम रोक लेती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिलना। और यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि तुम किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो भार्गवी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।